दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे बहुत से चाइल्ड एक्टर और एक्ट्रेस रहे हैं जिन्होंने अपने दौर में बहुत सी सफल फिल्मों में काम किया। उन्हीं में से एक एक्ट्रेस रही हैं सना सैयद, जिन्होंने शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है मैं बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस अंजलि के रूप में काम किया था, जो साल 1998 में रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों का बेहद प्यार मिला था। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म में काम करके फेमस हुई एक्ट्रेस आज पहले से भी ज्यादा बदल चुकी हैं, जिसे आप पहली नजर में पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको सना सैयद से रूबरू करवाने वाले हैं, जहां आप जानेंगे कि वो इन दिनों कहां हैं, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सना सैयद का जन्म 22 सितंबर 1988 को मुंबई में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के फ्रंट कॉन्वेंट स्कूल से की और कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट की। वहीं अगर बात करें इनके अभिनय करियर के बारे में, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1998 में आई फिल्म कुछ कुछ होता है में चाइल्ड एक्ट्रेस से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में इनके अभिनय को खूब सराहना मिली, जिसके बाद वो साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा में भी नजर आ चुकी हैं। इन दो फिल्मों के बाद सना बड़े पर्दे पर लंबे समय तक नहीं दिखी। सिनेमा के अलावा सना ने कई टीवी शोज किए, जिनमें बाबुल का आंगन छूटे ना, लो हो गई पूजा इस घर की, कॉमेडी सर्कस और लाल इश्क जैसे शोज शामिल हैं। इसके अलावा वो कई रियलिटी शो धड़क दिखला 6, झलक दिखला जा 7 और नच बलिए 7 में भी नजर आ चुकी हैं। साल 2012 में रिलीज हुई करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी सना नजर आई थी। इस फिल्म में वो अपने हॉट चिक लुक से फैंस का दिल जीतने में भी कामयाब हुई थी। लेकिन बात करें इनके आज के, तो वर्तमान में ये 33 साल की हो चुकी हैं और अपनी बढ़ती उम्र के साथ ये पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ ही सना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी फोटोज वीडियोस फैंस के साथ साझा करती रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो दोस्तों, आपको सना सैयद से रूबरू होकर कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।